जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के बालाजीपुरम स्थित तोमर चौराहे पर उस समय माहौल गर्म हो गया जब एक दबंग ने बराबरी दरोगा का ही गिलेबान पकड़ लिया। बताया गया है कि दबंग क्षेत्र में मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोलते हुए दबंग अपने रसुख का ऐलान कर रहा था, जिसके बाद पुलिस बल ने दबंग को गाड़ी में डाल थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावा करते हों प्रदेश में दबंगों की गुंडागर्दी खत्म करने की, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तस्वीर थाना हाईवे क्षेत्र के बालाजीपुरम में देखने को मिली, जहां पर झगड़े की सूचना पर गए चौकी इंचार्ज का गिरेवान पकड़कर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बालाजीपुरम निवासी सुमित सारस्वत पुत्र रामबाबू सारस्वत, हेमंत सिंह पुत्र राजवीर सिंह, जोगेंद्र सिंह पुत्र रुस्तम सिंह, ओमवीर पुत्र इंद्र सिंह दबंगई ने स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। कभी हथियारों से लैस होकर शक्ति प्रदर्शन करना तो कभी बीच चौराहे पर खुलेआम गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश एवं गोलियां चलाना इनके लिए आम बात है, जिसमें इनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद देखने को मिले, जहां इन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि बालाजीपुरम निवासी दिनेश पार्षद पति को इनकी शिकायत करना भारी पड़ा। इससे पूर्व में शक्ति प्रदर्शन की शिकायत दिनेश के द्वारा पुलिस से की गई, जिसमें रंजिश मानकर दिनेश को जान से मारने की नियत से गाड़ी से टक्कर मार दी गई। गनीमत रही कि दिनेश उछलकर दूर गिरा और बाल बाल बचा। दबंगों ने फिर से दिनेश पर हमला करते रहे और दिनेश अपने आप बचता रहा। प्रत्यक्ष दर्शी ने कहा कि नीरज और दिनेश दोनों अलग अलग अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी से हाईवे की तरफ से आ रहे थे, तभी सामने से सैद की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी दिनेश की स्कूटी पर चढ़ा दी। गनीमत रही कि दिनेश स्कूटी से उछलकर दूर गिरा और बाल बाल बचा। प्रत्यक्ष दर्शी की माने तो दबंग पार्षद पति दिनेश को मारने की नियत थी। दबंगों के द्वारा फायरिंग भी की गई थी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस दबंगों को गिरफ्तार करना चाहा, पर दबंगों ने चौकी इंचार्ज के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। बालाजीपुरम पड़ता है हाईवे थाना में, लगभग 9:30 बजे एक सूचना मिली थी कि दो पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जो वहाँ के हल्का इंचार्ज हमें पास में थे, वहाँ मौके पर गए, वो झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया और एक वहाँ गाड़ी थी, वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने वहाँ मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी को भी सीज करेंगे। जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमित सारस्वत अपने आप को युवा मोर्चा भाजपा का उपाध्यक्ष बताते हैं, जबकि वर्तमान में उपाध्यक्ष नहीं है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। मून न्यूज के लिए मथुरा से जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।